आंसर था। So yesterday we discussing regarding as a factors which are affecting the or which are improving the human resource, in which we discuss as a first skill development through the improvements in a skill, human resource can contribute in economy. It has possible through the proper training and education. Skill development is possible through education and training. Second, we discuss as a technology which helps to use resources, natural resources into as the usable items. Clear? थर्ड एज एजुकेशन, एजुकेशन क्या था बताया नहीं था, चलिए हम बताते हैं व्हाट इट मींस एजुकेशन। एजुकेशन इज द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स, ऑल अराउंड डेवलपमेंट of an individuals. Now, all around means physical, mental, social, intellectual, every aspect. Said properly. So Vanshika, when she's entered in a school education, their physical level, their mental level, their social level, it was as the different comparatively the present in time. So since last 12 years, she developed herself because of a number of inputs. आप जैसे जैसे इनपुट्स दोगे वैसे वैसे डेवलपमेंट ज्यादा होगी। ग्रोथ इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। एक्स्ट्रा डाइट नहीं दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, उसकी नॉर्मल ग्रोथ बढ़ेगी, उसकी हाइट इंप्रूव होगी। नॉर्मल बच्चे से कम हो सकती है पर हाइट इंप्रूव जरूर होगी, वो इतने से इतना ही नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा जरूर। इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस बट द डेवलपमेंट हैज इन्फ्लुएंस बाय द इनपुट्स। आप जितने इनपुट्स दोगे, जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा डाइट दोगे, न्यूट्रिशियस फूड दोगे, उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा हो, डेवलपमेंट ज्यादा हो। हाँ जी बोलिए। हाँ पर हो तो रही है ना, सेम हैज हैपेंड विद द कंट्री, कंट्री के साथ भी है। अब कंट्री के साथ भी एक लेवल के बाद वो डेवलपमेंट है रुक जाती है। कब रुकेगी? जब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है। इंडिया जैसी कंट्री वेयर द पॉपुलेशन हैज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट्स, इफ वी विल नॉट कंट्रोल our population, then the other kinds of facilities are not possible to produce to the whole of the population. Land resource is a limited. Ek example hai, land resource is a limited. India ka total jitna land area hai, wo increase nahi ho raha hai. Par usko land ko use karne ke liye logon ki population badhti ja rahi hai. Jahan aaj Divya baithi hai, yahan par aaj se 40, 50 years earlier, it was used for agriculture land. Due to the expansion of a Jalandhar, एग्रीकल्चर लैंड ऑक्यूपाइड अंडर द अर्बनाइजेशन, सिटीज का एक्सपेंशन हो रहा है, लैंड कहाँ है, एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूस होता जा रहा है। उससे क्या होगा, इंपैक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन पे। अगर सामान प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो फिर लोग खाएंगे क्या, फिर उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, प्राइसेस में हाइक आएगा, चीजें महंगी होंगी, इन्फ्लेशन जैसे कहते हैं, ठीक है ना। सप्लाई इंपैक्ट होगा इसके ऊपर जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, ठीक है। सो एजुकेशन इज द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो दिव्यांशी जी कह रही हैं कि एक लेवल के बाद वो हाइट ग्रोथ होनी रुक जाती है, पर डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअसली अकर थ्रू आउट द ईयर। आपकी हाइट रुक जाएगी 18, 19 साल, 20 साल तक, उसके बाद डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली होती रहेगी। मैंने कहा इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स इफ वी आर गिवन टू द गिवन इन इकोनॉमी, गिवन टू द इंडिविजुअल्स, दैट डेवलपमेंट विल साइमल्टेनियसली अकर, उसकी डेवलपमेंट होती रहेगी। इनपुट्स क्या है, उसको ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं तो उसकी मेमोरी शार्प होती जाएगी, होगी ना, वो थ्रू आउट द लाइफ चलेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। कि वो भी रुक जाती है 20 साल के बाद, वो तो बढ़ती रहती है। द पर्सन हैज गेनिंग द स्किल्स, मास्क दिव्यांशी। सो डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली होती रहेगी विद इंक्लूजन ऑफ अ नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है ना। एक बच्चा है द पर्सन विच हैज इलिटरेट, उसको एजुकेशन नहीं देगी, ठीक है, उसका मेंटल लेवल एंड द पर्सन विच हैज गेनिंग द एजुकेशन, ह्यूज डिफरेंसेस विल बी देयर, बट द ग्रोथ इट विल बी अकर इन बोथ द केसेस। दोनों की ग्रोथ जरूर होगी पर डेवलपमेंट इंपैक्ट पड़ेगा। जितना इनपुट दोगे, जितने फर्टिलाइजर्स डालोगे, उतनी ही ग्रोथ होगी, सॉरी डेवलपमेंट होगी, ठीक है ना। टेल देयर एनी डाउट्स। सो एजुकेशन इज अ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विच मेजर द स्टेटस ऑफ एजुकेशन मेजर इन इंडिया थ्रू लिटरेसी। मैंने कल कहा कि जैसे हमारी कंट्री में एजुकेशन को मेजर करने का तरीका आपके अकॉर्डिंगली क्या है, कोई कह रहा है कि 10th पास होना चाहिए, +2 पास होना चाहिए, कोई कह रहा है कॉलेज तक पढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना।
So education is a generally, the status of education, it measured through the literacy. Literacy means a person who can read and write and do simple arithmetic is illiterate. मैंने यहाँ क्लास मार्क नहीं की कि वो आर्ट्स एट क्लास तक पढ़ाओ, ट्वेंटीएथ तक पढ़ाओ. अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एंड एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन एनी लैंग्वेज दिस इज एज द मीनिंग और अ डेफिनेशन गिवन बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. पढ़ा होगा प्लानिंग कमीशन में लास्ट ईयर कब बना था, इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन इट केम इन टू एग्जिस्टेंस. यस नित्या, प्लानिंग कमीशन केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा था लास्ट ईयर 1981. ओह इंडिपेंडेंस 81 में मिल गई 56. यस यू रेणुका सिंह 45 जो इंडिपेंडेंस से पहले ही डेवलपमेंट होनी इंडिया की स्टार्ट हो गई थी. And why do the freedom strugglers, they struggle for the freedom of the country? If the British age, it was fruitful for the country. Agar British age positive way mein growth kar rahi thi country ki, phir freedom kyun chahiye thi? As per the Renuka. Kyunki kuch kami thi, wo kami ko pura karne ke liye independence chahiye thi. People required a power in their hands to which they can work for their society. Isliye independence li gayi. Uske baad hi hoga. Very good, Divyanshi. Very good, girl. 1950, Planning Commission. 1950. I don't know. मैंने सुना नहीं. Sorry. चलो हम continue करते हैं. So education, literacy means a person who can read and write, express their thoughts, and do simple arithmetic means addition and subtraction. जिसको इतना आता है, the person is illiterate. According to 2011 census. Total number of literate in India, these were 75.21%. 75.21% people, according to 2011 census. क्योंकि 21 का census नहीं हुआ अभी तक. 2011 census, 75.21% people were literate. These were literate which can express their thoughts in any of a language and do simple arithmetic. 75.21% each. 2011 का report है. उससे पहले जो 2001 में था 67% पीपल वर लिटरेट. अब ये चेंज क्यों आया, अगले 10 साल में और चेंज आया होगा, 80 प्लस हो गया होगा. जो अभी सेंसस की रिपोर्ट अभी आएगी, अभी कलेक्शन होगी डाटा का, उस डाटा को एनालाइज किया जाएगा, देन द रिपोर्ट विल पब्लिश बाय द एनएसएसओ. हाँ उसी का होगा, ठीक है. उससे लिटरेसी से पता लग जाए इंडिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं. द पर्सन विच कैन बी डू एज अ सिंपल अरिथमेटिक इन सोसाइटी इन डे डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ. सो लिटरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एज आई टोल्ड यू द एग्जाम्पल ऑफ अ जापान विच कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इकॉनमी, जापान गवर्नमेंट इट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इकॉनमी बाय ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स. It has providing a better education and health facilities to their population. Population is capable it developing their all those resources now that Japan is a developed nation. वहाँ poverty नहीं है. Japan में natural resources नहीं मिलते. Agriculture is not possible in a Japan because of their island country. Tsunamis every year influence their economy, which has led to the responsible death of a people, individuals. But still, Japan is a developed nation. India, which has possessing the agriculture. इंडिया में 60% पीपल आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. देयर आर माइन नंबर ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन इंडिया बट स्टिल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री बिकॉज एट सम ऑफ द एक्सटेंट देयर इज अ लैगिंग बिहाइंड इन हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज. दीज आर नॉट एडिक्वेट. फैसिलिटीज आर देयर बट दीज आर नॉट एडिक्वेट एज पर द डिमांड. वेन वी आर सीइंग द नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सिविल हॉस्पिटल्स services, the kind of the services are not adequate. That's why the people are moving towards the private healthcare centers, private education. Yes, pehle aapka question tha. Yes, you. हम ऐसा कर सकते हैं, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री.
मैं तीन एग्जांपल दे रहा हूँ। अब पहली मैंने जापान की दी, वेयर द मैक्सिमम रिसोर्सेज, जो बजट बनता है हर साल, बजट इज अ प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी फॉर अ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जैसे आपके घर में बजट बनता है कि इस साल इस मंथ में फीस देनी है, यहाँ पे मेडिकल कुछ चार्जेस हो सकते हैं, कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रख लिया जाए, मैरिज जा रही है, बजट प्रोक्योरमेंट ऑफ अ मनी फॉर अपकमिंग एडवांसिंग मंथ, ठीक है ना। सेम एज अ गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट द बजट, सो ऑल द कंट्रीज हैव सेट देयर बजट, आवर कंट्री इज सेटिंग देयर बजट इन अ मंथ ऑफ फरवरी, इट हैज इंट्रोड्यूस इन असेंबली, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि कौन सी चीज कितने रुपए की होगी थ्रू आउट द ईयर, कितने स्कूल्स की डिजायरेबल रिक्वायर्ड है, कितने लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जॉब्स देनी है, कितनों का पुअर लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, तो उसके बारे में पैसा प्रोक्योर सेव किया जाता है, फिर उस पैसे को थ्रू आउट द ईयर यूज किया जाता है, ठीक है ना। पाकिस्तान यूज देयर मोर देन 60% ऑफ द रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ ऑफ अ मिलिट्री, दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज स्टिल एज अंडर डेवलप्ड कंट्री। अगर वो पैसा कंस्ट्रक्टिव वे में ह्यूमन रिसोर्स की हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाए तो कंट्री कहां से कहां पहुंचे। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट द इंडिपेंडेंस ऑन अ सेम पीरियड 1947, एक दिन का फर्क था, बट स्टिल इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, नाउ द पाकिस्तान हैविंग एज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री। अगर पॉपुलेशन को कंपेयर करें, इंडिया हैविंग एज अ 3 times मोर पॉपुलेशन कंपैरेटिवली पाकिस्तान, पॉपुलेशन भी ज्यादा है बट स्टिल इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री। मैं आ रहा हूं वहीं आऊंगा। इंडिया में टोटल बजट के अंदर 37% प्रोक्योर किया जाता है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है कि अच्छी बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचे, पर वो एडिक्वेट नहीं है, जो डिजायरेबल है उतनी नहीं है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं प्राइवेट सर्विसेज की ओर, नहीं तो हम गवर्नमेंट की ओर जाएंगे। आप कुछ कह रही थी दिव्यांशी, अब बोलो। यस यू, रिसोर्सेज है, नो डाउट पॉपुलेशन का बर्डन भी जो है वो नहीं कम हो रही ना। एक पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होगी तो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी हट जाएगी और पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। वो कंट्रोल नहीं हो रही, वो आज से नहीं, वो 1972 से रेगुलरली प्लानिंग चल रही पर कंट्रोल नहीं हो रही। 2000 नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस, इट टारगेटेड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टिल 2010, बट गवर्नमेंट फेल्ड। इट अगेन इनिशिएटेड कि गवर्नमेंट पॉपुलेशन को कंट्रोल करके 2025 तक, ठीक है, पर हो नहीं रहा है। प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग को प्लानिंग कमीशन तब से कराना है 1950, एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हो रहा। यस, सोना कहां मिलता है, इंडिया में सोना है ही नहीं ना, आपने कहीं और ही देखी होगी, मैगजीन में देखा होगा या फेसबुक में कोई रूमर सुना होगा। हाँ, इंडिया में एक ही जगह जहां सोना मिलता था, इन कर्नाटका, प्लेस नेम ऑफ प्लेस कोलार, KOLLAR, कोलार माइंस, बट इट्स एम्प्टी नाउ, प्रेजेंटली एम्प्टी। आपने कहां से जमीन से खजाना निकाल लिया, इट्स अ रूमर, स्टिल रूमर। चलें प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कोई ऐसे चला जाएगा तो लोग चुरा लेंगे। थिंक पॉजिटिव इन वे, ठीक है, चोरी नहीं कर सकते ऐसे, तो जो कोल माइंस हैं वहां पे जो माइनस काम करते हैं वो वहां से कोल को पॉकेट में भर भर के लेके जाएं, पर नहीं लेके जा सकते, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कंट्री पोजेसिंग सच रिसोर्सेस, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, नहीं तो हर कोई वहां से कोल निकाल के घर में ले जाके बेचता रहेगा। इट्स नॉट पॉसिबल दिव्यांशी, सिट प्रॉपरली वंशिका, चलें आगे। सो एजुकेशन हैज एक्सप्रेस थ्रू द लिटरेसी, विच मींस एज अ पर्सन विच कैन रीड एंड राइट, नोस विच डू द सिंपल अरिथमेटिक। फॉर इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इनिशिएटेड अ नंबर ऑफ द प्रोग्राम्स, इन विच द फर्स्ट इज अ स्कीम्स, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द स्कीम्स, वेरियस स्कीम्स, गवर्नमेंट हैज लॉन्च various schemes for providing universal access to education, universal access to education for all, means education for both boys and girls. For this has the co-educational schools set up by the government of India, jahan boys and girls collectively they are gaining the education, clear, like our school, co-educational schools. Earlier they were as the separate schools for the boys and the girls. Anybody give me the example, where did the Britishers set up as the first girl school?
प्लीज ऑनलाइन ऑफलाइन प्रतीक्षा इट्स अ नाइन्थ ए प्रतीक्षा एंड गोशान इट्स अ नाइन्थ ए ज्वाइन योर अदर क्लास यस नोबडी कैलकटा जे डी बैथून बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर वेरी गुड 1856 पढ़ा बहुत कुछ है कल वंशिका ने कहा नॉलेज अवेयरनेस आपने कहा अवेयरनेस होनी चाहिए ठीक है ना सो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इज स्टार्टेड एज अ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेयर द गर्ल्स एंड बॉयज दे कैन कलेक्टिवली गेन द एजुकेशन it has possible through the universal access to education so it specially emphasized over the special emphasis has been laid on education even in the constitution right to education is a fundamental right it is a fundamental right of every child to which they can attain education second opening of schools under the National Education Policy of 1986 not again the government of India modifying their education policy jise NEP 2020 kehte hain jo last year aayi hai okay National Education Policy of 1986 government decided to provide quality education in rural areas quality means better education in rural areas as free of cost through yes anybody expand this term GNV what it stands for the GNVs ऐसे स्कूल रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा खुले हुए हैं वी स्टैंड फॉर विद्यालय वेरी गुड रेस्ट ऑफ द टू एब्रीविएशन JN, JN, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स दोज हु आर रेडी दे कैन रेज देयर हैंड्स B stands for विद्यालय तो धीरेन इज रेडी टू आंसर सर जवाहर नवोदय वेरी गुड जवाहर नवोदय विद्यालय थैंक यू जवाहर नवोदय विद्यालय हाँ जी KMV तो कॉलेज है वो तो इंस्टीट्यूट है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ठीक है ना प्राइवेट कॉलेज स्कूल है वो मैं यहाँ कह रहा हूँ गवर्नमेंट की स्कीम्स वो स्कीम्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट इट स्टार्टेड टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया जवाहर नवोदय विद्यालय चलो ये तो आपको नहीं आता बिकॉज यू आर नॉट एसोसिएटेड विद रूरल एरिया सो यू आर लिविंग इन जलंधर सो इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड विद जलंधर नवोदय विद्यालय सो गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडिंग द फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इन अ रूरल एरिया सूरत जवाहर नवोदय विद्यालय इन सिटीज सेम एज फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडेड टू द students which are living in a city areas what we call to a such kind of a schools no these are for the ordinary people government schools specially for the such kids which are the you can say as gifted the children are gifted they are good in education which are scoring as more than 90% marks pingal wala kahan pe aa gaya yahan pe No, this is as a different education से related. Education, you are living in a Jalandhar. You are gaining the education in a JP Nagar. The answer of a that particular question associated with your 500 meters radius from your school. Simple, yes. Now, anybody, online students. This is a aided school. Saindas is a aided school. Aided means जहाँ पे government की support से private authorities are also contributing with support of the government. Aided schools कहते हैं, ठीक है ना? Fully government school नहीं है.
जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं सरकारी स्कूल, वैसे नहीं है। यस एनीबॉडी? नोबडी। चलिए मैं हिंट देता हूं आपको, इट इज एडजेसेंटली लोकेटेड टू द स्पोर्ट्स कॉलेज। अर्लियर दैट प्लेस दैट स्कूल इट मॉडिफाइड इनटू एज द कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर। आप जलंधर में रह रहे हैं, रह रहे हो? यस। मैं नाम पूछ रहा हूं, व्हाट वी कॉल टू देम सच काइंड ऑफ अ स्कूल्स व्हिच आर प्रेफरेबली प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन इन अ सिटीज। If a child is a more than the 90% scored in their 9th standard, it is capable to take the admission in such schools by clearing one entrance exam. Unke rehne ka, education ka, uniform ka, everything it has availed by the government. Free of cost education, quality education. Same education which has given in a private schools, it has provided to the government agencies through such schools. Any example? Kya keh rahe hain? Kya naam hai unka? Very good Divyanshi, meritorious schools, जलंधर में है। आप जलंधर में रह रहे हैं, आपसे मैंने 500 मीटर का रेडियस पूछा। हम गए हैं, हजार बार गए हैं इस रोड पे, स्पोर्ट्स कॉलेज की साइड, उसके एकदम एडजेसेंट नॉर्थ, सॉरी उसके वेस्टवर्ड साइड में। बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग चार्जेस, ठीक है ना। सेम ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रोवाइडिंग एज अ क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज, जहां एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, पीपल आर नॉट हैविंग द रिसोर्सेज, गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सच रिसोर्सेज। इसी के साथ कुछ और स्कूल्स खोल गए, केवीज सुने होंगे आपने, केंद्रीय विद्यालय। उसके पीछे आइडिया क्या था, व्हेन केवीज ओपन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट स्टार्टेड फॉर द सच डिफेंस पर्सनल्स व्हिच पोस्टेड फॉर द पीरियड ऑफ द 4 years इन अ वन प्लेस, for the period of the 4 years. For example, a person which earlier resided in a Kerala, it displaced towards a Punjab. Ab uski family uske sath shift hogi. So at least un bachcho ka loss na ho, same pattern, same curriculum, same syllabus, it has implemented to the such KVs. Theek hai na? So that defense personnel, it can admit their children on a other KV located in a other areas. Kendriya Vidyalayas. Theek hai na? Same curriculum chalta rahe, bachche ka loss na ho, usne kya galti ki ab? ऐसे केवी स्कूल, ऐसे सैनिक स्कूल खोले गए। टोटल नंबर ऑफ 17 सैनिक स्कूल्स ओपन्ड इन इंडिया एट प्रेजेंट, टिल प्रेजेंट। तो पंजाब सैनिक स्कूल इज लोकेटेड इन कपूरथला, थोड़ा आराम से, कपूरथला, इट इज लोकेटेड इन अ कपूरथला। व्हाट आइडिया बिहाइंड इट, टू प्रोवाइड द डिफेंस पर्सनल थ्रू द आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, ऑफिशियल रैंक्स के लोग कम है, उनकी नंबर को इंक्रीज करने के लिए स्पेशल कोचिंग हैज गिवन टू द इंडिविजुअल्स। एनडीए सुना होगा आपने, एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं वो स्पेसिफिकली, बट दे आर चार्जिंग मनी, फीस चार्ज होती है वहां पर, ठीक है ना। आर्मी स्कूल्स खोले गए ऐसे, तो डिफरेंट नंबर ऑफ स्कूल्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द लेवल ऑफ द एजुकेशन इन सोसाइटी, ठीक है ना। टिल देयर एनी क्वेश्चंस, टिल देयर एनी क्वेश्चंस। नेशनल डिफेंस एकेडमी, यस, हाँ मैंने कहा आर्मी स्कूल्स भी हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल या आर्मी स्कूल, वो केवीज के इक्विवेलेंट खोले गए थे। यस, हाँ जी, वो सिक्स में लेते हैं और नाइन्थ में लेते हैं, नाइन्थ ये भी सिक्स में लेते हैं, ये उससे छोटे बच्चे को नहीं लेते, बिकॉज अ चाइल्ड ऑफ अ 5 years, 5 plus 3, 8, 11 years, 9, 10 years का बच्चा जो अपने टेक केयर नहीं कर सकता, वो हॉस्टल फैसिलिटी नहीं अवेल कर सकता, ठीक है ना, उसको प्रॉब्लम होती है। सिक्स स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं, हाँ, इन ए गवर्नमेंट स्कूल्स, दिस इज एज अ मैंडेटरी, यस। क्या देन फिर गवर्नमेंट क्या करे, इफ द फैमिली नॉट बॉदर अबाउट इट, इफ द फैमिली इज नॉट गिविंग द दैट पर्टिकुलर, ठीक है, देन गवर्नमेंट इट कांट डू इट, गवर्नमेंट कांट इंटरफेयर इन पर्सनल मैटर्स। शैल वी कंटिन्यू, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आफ्टर द स्कूल्स, थर्ड पॉइंट वोकेशनल कोर्सेस, वोकेशनल कोर्सेस, वोकेशनल जॉब ओरिएंटेड वर्क्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक, सॉरी अभी शुरू हुआ, पहले भी था ये कॉन्सेप्ट, पहले ये प्लस टू के बाद आता था, अब ये टेंथ में इंट्रोड्यूस किया गया है पंजाब गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट स्कूल्स में टेंथ में एक ऑप्शन सब्जेक्ट दिया गया है वोकेशनल एजुकेशन। अगर आप, हाँ जी, वोकेशनल एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स,
वन बाय वन मैं बता रहा हूँ। वोकेशनल एजुकेशन में क्या किया जाता है, बच्चे को इट हैज प्रिपेयर फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन अ पर्सन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इट विल नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, इट कैन जनरेट देयर ओन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल टू द बॉयज रिपेयरिंग ऑफ अ मोबाइल फोन्स, फॉर गर्ल्स स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी, ये काम सिखाए जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन द पर्सन अ चाइल्ड इट विल बी द सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है ना, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव्ड होगा। जब किसी को काम नहीं मिलता, व्हेन अ पर्सन हैज नॉट अटेनिंग द जॉब्स, मोस्ट प्रोबेबली इट हैज अप्ड द क्राइम। सो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आल्सो द वोकेशनल एजुकेशन इंपार्ट थ्रू द स्कूल एजुकेशन। हाँ जी, हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो वोकेशनल एजुकेशन, vocational structure of education have been developed to equip a large number of school students with occupations related to their knowledge and skills. Next, SSA, fourth point, Sarv Shiksha Abhiyan, SSA, Sarv Shiksha Abhiyan, it was launched in 2005. Sarv Shiksha Abhiyan, the government education oriented scheme, Sarv Shiksha Abhiyan, launched in 2005 for universalization of education. This scheme targeted certain objectives, जो लक्ष्य तय किए गए, क्या aim achieve करना था, to provide free and compulsory education in 6 to 14 age group, it means till 8th standard of education it will be provided as a free of cost, free and compulsory education provided through the government schools among 6 to 14 age group. Second, increase in number of enrollments, admissions karwani, नर्सरी क्लास में बच्चे की एडमिशन करवाने, 6 to 14 साल का एज ग्रुप, बिकॉज टिल 6 स्टैंडर्ड अ चाइल्ड इट हैज कंप्लीट देयर प्री प्राइमरी क्लासेस, नर्सरी एलकेजी किंडरगार्टन कंप्लीट हो जाता है, जो थर्ड 3 इयर्स में एडमिट होता है 4, 5, 6 तक वो कंप्लीट कर लेता है एजुकेशन, उसको फर्स्ट में एनरोल किया जाता है। सो इंक्रीज इन एनरोलमेंट्स, बच्चों को एनरोल किया जाए स्कूल एजुकेशन में, increase in enrollments, increase in enrollments, full stop. Next, midday meal scheme, midday meal suna hua hai, kab aayi thi, very good girl, Tamil Nadu mein, very good, 2006 mein aayi thi, very good, Vanshika, योर आंसर, मैंने ऑप्शन मांगे हैं, सबने अपना अपना दे दिया, कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, 6 में आपकी, देन यू नित्या, देन यू एंड रेणुका, 1995, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, मैंने चांस दिया सबको, राइट टू एक्सप्रेशन, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। 1995 मिड डे मील स्कीम लॉन्च इन फर्स्ट इन तमिलनाडु, वेरी गुड, ये सही था दिव्यांशी का, तमिलनाडु में सबसे पहले लगाई गई थी। एक चीज रहेगी एसएसए से रिलेटेड, इन एसएसए व्हेन इट वाज लॉन्च इन 2005 गवर्नमेंट सेट द टारगेट टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन टिल 2010 की इंडिया में कंप्लीट लिटरेसी हो जाएगी 2010 तक, बट हुई नहीं, मैंने कहा 2010 तक लिटरेसी हो जाएगी,
ये टारगेट सेट किया गया था पर हुआ नहीं था। हाँ जी 5 years हो जाएगा पर हुआ नहीं। मैंने कहा 2011 में इंडिया का जो टोटल लिटरेसी रहा वो 75.21 था, वो 100% नहीं था, ठीक है ना। चले आगे। सो मिड डे मील स्कीम लॉन्च इन 1995 फर्स्ट इन तमिलनाडु इन विच न्यूट्रिशियस हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड गिवन टू स्कूल चिल्ड्रन थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज ऑब्जेक्टिव्स व्हाट ऑब्जेक्टिव सेट अंडर द मिड डे मील टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम हंगर। कुछ स्पेसिफाई वर्ड नहीं, ठीक है आपका, कुछ और स्पेसिफाई। वेट टर्न वाइज सिट डाउन, मैं कुछ और कह रहा हूं। हाँ एक ये भी रीजन था। यस वंशिका, पर मैं कह रहा हूं मरास्मस। ओके जो आप डिजीज कह रही हैं, ये डिजीज किसके कारण होती है? हंगर के कारण होती है। वेरी गुड, शी गॉट द पॉइंट। आंसर इज अ माल नरिशमेंट, चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड। खाना मिल रहा है पर एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोटीन्स विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं उन्हें। माल नरिश्ड, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फॉर द माल नरिशमेंट, MALNOURIS। डिजीज आपकी ठीक थी। एक और इससे एसोसिएटेड डिजीज है, क्वाशियोरकर है, पढ़ा है? नहीं, मैंने पढ़ा हुआ साइंस में। क्वाशियोरकर एंड अ मरास्मस, टू डिजीज आर एसोसिएटेड विद द दो चिल्ड्रन विच आर नॉट हैविंग द एडिक्वेट नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देयर डाइट। इसलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं कि सब्जियां दालें पल्सेस खानी चाहिए, ठीक है, बर्गर नहीं खाना चाहिए, पर हम बॉदर ही नहीं करते। वी आर कॉम्प्रोमाइज विद आवर हेल्थ, दैट्स वेरी बैड। सो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम माल नरिशमेंट। सेकेंड, रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल एजुकेशन। साहिल ने जो कहा, पहले क्या होता था, लंच टाइम जब होता था बच्चे घर में जाते थे अपना खान मील लेकर वापस आते थे, लंच लेकर नहीं आते थे, ठीक है ना। रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, कि उन बच्चों को जो घर जाते हैं उनको एटलीस्ट स्कूल में रोका जाए, इससे खाना अब स्कूल में ही दिया जाने लगा, बच्चा अभी घर नहीं जाएगा। पहले जाते थे वो वापस ही नहीं आते थे कहीं, ये सिस्टम होता था। सो रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एजुकेशन, नहीं पहले नहीं होता था, अब भी नहीं होता, टिल 8th स्टैंडर्ड। फूड हैज गिवन टू द चाइल्ड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years, जो SSA के अंदर सेट किया गया था वो आज भी है। Till 8th standard, a midday meal has given to the children. 9th, 10th को नहीं मिलता। Retention of students. Retention also includes retention of students from a school education. Most number of children, they left the school education before completion of 10th and 12th. उससे पहले ही छोड़ देते थे, because they were economically poorer. They can't gain as the 2 meals in a day. So at least for the food, they moving towards the schools. They coming towards the schools. Third, increase in enrollments. इसके लिए बहुत सारी enrollments हुई। जो migrants होते थे बिहार झारखंड से, जो उत्तर प्रदेश से migrants पंजाब में आते थे for a period of 4 to 5 months, at least the food given to the such individuals